संत सम्राट सदगुरु कबीर देव के चरणों में वंदन करते हुए अर्चनी वन्नी संसमाज धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति माताओं आप सबके समक्ष सदगुरु कबीर साहिब के वाणी के आधार पर थोड़ी निवेदन प्रस्तुत। संघ का बहुत बड़े महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है जीवन में, उस पर बहुत ही अच्छा ढंग से विचार सुन रहे थे। हम अपना बेशकीमती जीवन को सवारना चाहिए और हम इसे हीरे जैसे जीवन को कौड़ी के मोल गमा रहे हैं। इस जीवन को हमको चमकाना चाहिए था, इस जीवन को तराशना चाहिए था, लेकिन हमने जीवन के बेशकीमती लम्हों को यूं ही बर्बाद कर दिया। आज अवसर मिला था, हमें जीवन में एक चार चांद लगा लेना चाहिए था, मन में तरंगायित भर देना था, मन में प्रसन्नता उत्साह आनंद की जिंदगी जीना चाहिए, लेकिन हम दिशा और दशा दोनों खराब कर चुके। मन में उदासी सी, चेहरे पे सिकन, जिंदगी की रौनकता खत्म हो गई और इसके जिम्मेदार हम दूसरे को कहते हैं। जब जब हमारे साथ कुछ होता है, जब भी कुछ होता है, दोष हम दूसरे को देते हैं, लेकिन हम खुद अपने जीवन के मालिक हैं। आज भी अवसर है, जो बीत गया सो मुर्दा है, अभी साहब कह ही रहे थे, और कल आने वाला सपना है जिसमें हम बंधन काटे वर्तमान समय अपना है। एक आदमी एक डायरी लिखना शुरू करता है और डायरी लिखना शुरू करता है, वो करता क्या है, लिखते जाता है, लिखते जाता है, उनको लगता है कि मैंने जो लिखना चाहिए था, जो विचार पेश करना चाहिए था, वो विचार पेश नहीं किया, मैं गलत विचारों को सामने रखा। वो आदमी एक बेचैनी से छा जाता है। इतना में संत के दर्शन होते हैं और संत कहते हैं, तुमने जो गलत किया उन बातों को छोड़ दो, गलत लिखा उन बातों को छोड़ दो, एक काम करना, स्टेपलर लेना, स्टेपलर लगा करके तुमने 365 दिन में 300 दिन यदि गलत किया तो 300 दिन को स्टेपलर लगा करके स्टॉप कर देना। जब भी तुम पेज पलटोगे फर्स्ट पेज खोलोगे तो सीधा 300 के बाद 301वां दिन जो पेज है वो खुलेगा, क्योंकि स्टेपलर से बंद हो गया। आपके जीवन में भी कभी कभी गलतियां हो गई होगी, उनको स्टेपलर की तरह स्टॉप कर दीजिए। नए जीवन की शुरुआत, अब मुझे जीवन को बदलना है, नए जीवन की शुरुआत। आज तक मेरे जीवन में जो भी दोष और दुर्गुण रहे होंगे उन जीवन को छोड़ दीजिए। आज से नए, जब जब सूर्य उगता है, जब जब सूर्य उगता है, तब तब आपको नया दिन मिलता है, फिर से नया सुनहरा दिन, फिर से नया अवसर मिलता है कि हम जीवन को बदल सकते हैं। हर रोज नया अवसर मिलता है कि हम जीवन को बदल सकते हैं, हर रोज नया अवसर मिलता है। हम कितना बदलते हैं जीवन को, रोज नया अवसर मिल रहा है, हम अपने जीवन में चमक ला सकते हैं। लोग, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब तक धन संपत्ति ना हो तब तक जीवन में चार चांद नहीं आएगा। धन संपत्ति भी कमाना आप लोगों के हाथ में है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात है आपका स्वभाव और आचरण, मन। आप लोगों के पास ये चीज है तो सब कुछ है, और स्वभाव अच्छा है, आचरण अच्छा है, मन अच्छा है तब ठीक, और नहीं है तो धन संपत्ति होती हुई भी हम गरीब है और दरिद्र है। धन संपत्ति के बाद आती है तो धन संपत्ति तो हम लोग परिवार में छोड़ के आ गए, क्या हम लोग को धन संपत्ति नहीं मिलता है? आप लोग देते हैं, चलता है, उसके बिना नहीं चलता है, उसकी योग्यता बनाइए ना भाई।
आप इतना योग्य बन जाइए कि आपको धन संपत्ति मिले। एक नियम है, हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं वो हमको नहीं मिलता है। हम जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता है, हमको वो मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। समझ रहे हैं बात? हम जो चाहते हैं वो चीज हमको नहीं मिलता है, हमको वो मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। कौन स्टूडेंट नहीं होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि मैं क्लास में प्रथम आऊं, लेकिन कितने लोग प्रथम आते हैं? एक लोग प्रथम आते हैं जो इसको योग्य होते हैं, उसको योग्यता मिलती है। कितने लोग हैं जो आर्मी की जब भर्ती में होती है तो कितने लोग अपना फॉर्म डालते हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? 100-200 लोगों का, बाकी 180,000 लोग, 2,00,000 लोग रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जिसकी योग्यता होती है वो मिलती है उनको। आपको सम्मान मिलता है, आपकी योग्यता है। आपको परिवार मिलता है, आपकी योग्यता है। आपको धन मिलता है, आपकी योग्यता है, आपकी योग्यता है। आपके ऊपर तो है ना, जीवन को तराशना, दूसरे को दोष ना दे, दूसरे को दोष ना दे। संवार ले जीवन को, बदल ले, सत्संग कराने का सफलता मिल जाएगी। दुनिया बदले या ना बदले, परिवार बदले या ना बदले, हम बदल जाए, सत्संग की सफलता मिल जाएगी। यही जीवन में यू टर्न लाना, इसी को कहते हैं यू टर्न। कभी अकेले में बैठे आत्मचिंतन करे, कभी ध्यान करे, कभी सत्संग करे, जीवन में प्रकाश डाले। हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते हैं अपने से पूछ करके करें, तो शायद मैं समझता हूं अपने से अच्छा उत्तर हमको कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है। हम ही अपने लिए निर्णायक है, हम ही अपने जीवन के उत्थान करता है, और हम ही अपने जीवन को पतन के गर्त पे ले जाने वाले हैं। हम मालिक हैं अपने जीवन के। हमको अपने जीवन को नए दिशा देना है, सही ओर संचालित करना है और एक सुंदर जीवन का निर्माण कर लेना है। आप जीवन को जितना तराशते हैं उतना कीमत बढ़ता चला जाता है। मैंने बीच में उदाहरण दिया कि आपके जीवन में यदि 30 दिन 40 दिन 50 दिन खराब हो गया, मानो पन्ने में लिखते गए खराब हो गया, उसको स्टेपलर कर देंगे तो जब भी पेज खोलेंगे तो सीधा 40 के बाद में नया पेज खोलेगा आपका। स्टेपलर है आपके बीते दिन, बीते ताही बिसार दिन। आगे की सुधि ले, सदगुरु कबीर ने कहा है, बीते उसको छोड़ दो, आगे की सुधि ले, आगे की सुधि लो, आगे के बारे में सोचो, अब क्या करना है ये सोचो। बीत गया वो तो मुर्दा हो चुका, उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसा कहा। हम पुराने चीजों को खोद खोद करके हम अपना मन खराब करते हैं। कोई आदमी हो जो पुराने गड़े मुर्दा को खोदे तो क्या उसको सुगंधी आएगी? दुर्गंधी तो आएगी ना। इसलिए पुरानी बातों को मत खोदे। पिता ने ऐसे कहा था, पुत्र ने ऐसे कहा था, सास ने ऐसे कहा, बहू ने ऐसे कहा, पुरानी चीजों को मत खोदे। सुंदर जीवन को आगे की सुधि ले। जो बीत गया सो खत्म। एक आदमी, सुबह सुबह का समय है, जैसे अभी उदाहरण हीरे का दिया वैसे ही उदाहरण, सुबह सुबह का संतजन बना लेते हैं अपने अनुसार से आदमी को संबोधित करने के लिए कि हम कैसे अपने जीवन को गंवाते हैं। हीरा उतना बेशकीमती कोई ऐसे नहीं फेंकेगा, लेकिन संतजन उदाहरण देते हैं। एक आदमी बैठा था किनारे, गंगा किनारे, और ऐसे एक कंकड़ फेंक रहा था। सुबह प्रकाश होने पर वो पत्थर देखा, चमकीला दिख रहा है। मैंने कहा बना लेते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उद्देश्य है समझाना। वो आदमी देखा चमकीला पत्थर है और बड़ा ध्यान से देखता है, अरे ये तो बहुत बेशकीमती हीरा है, मैंने बहुत सारे पत्थर ऐसे ही फेंक दिया, बहुत सारे पत्थर को, बहुत सारे हीरे को ऐसे ही नदी में फेंक दिया। और जब अंतिम अंतिम में एक दो हीरे बचा था, उसको देख करके बहुत दुखी होता है, मैंने ऐसे ही गंवा दिया, पर भी वो संतोष होता है। कोई बात नहीं, जितना घुमा सो घुमा, जितना गया सो गया, मेरे पास में एक दो हीरे तो है, और वही एक दो हीरे को भुना करके बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है एक दो हीरे को भुना करके। आपका बीता समय जितना गया सो तो गया, आपकी शेष जिंदगी जो बचा है, कुल मिला करके शेष जिंदगी जो बचा है आपका, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल जो शेष जिंदगी बचा है ना, उसी जीवन को आप संवार सकते हैं, उसी जीवन को आप सुंदर बना सकते हैं। आपके हाथों में,
आप क्या चाहते हैं? आज भी अवसर है, आज भी अवसर है। इसलिए संत जन कहा करते हैं, जवानी के रहते रहते साधना कर लिया करो, भजन कर लिया करो, एकांत में बैठ लिया करो। लेकिन हम जवानी में होश में नहीं होते हैं, जोश में होते हैं। क्या मतलब है सत्संग भजन से? जब बुढ़ापे की स्थिति आती है तब समझ में आता है, मैंने बहुत सारे बेशकीमती जीवन को, बहुत इतना अच्छा अवसर मुझे मिला था, उन अवसर को मैंने यूं ही गंवा दिया। गंवाइए मत अपने जीवन को, संवारते जाइए और अपना आचरण और स्वभाव और खान पान इतना पवित्र रखिए। आप लोग सत्संगी है, एक बूढ़ा आदमी देखा, करीब करीब उनकी अवस्था रही होगी 65 साल की, गुटखा खाने का लत। अब गुटखा नहीं खाया जा रहा है, दांत झड़ गया है। अब दांत झड़ गया तो गुटखा कैसे खाए? तो किया क्या, एक पत्थर में अपना छोटा सा हथौड़ी रखा, इतना बड़ा। अब हथौड़ी रख करके चलता है वो, पत्थर में रखता और इतना बड़ा हथौड़ी में पहले गुटखा को पाउच सहित उसको कूट देता। कूट लेने के बाद में उसको फिर गटकर जाता। अच्छी आदत बनाई, अच्छी विशेष गुण। आपके परिवार में कुछ लोग होंगे जिसे आपकी माँ नहीं है, आपके पिता नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, दूर के रिश्ते हैं, तो भी आपको बहुत पसंद आते होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास विशेष गुण होता है, विशेष गुण होता है। प्रेम से बात करता है, मीठी बातें करता है, या उनका सरल स्वभाव है। आप स्कूलों में पढ़ाई किए होंगे या कहीं गए होंगे या गाँव में समाज में देखते होंगे जो आपके परिवार की नहीं है, पर भी आप कहते हैं वो आदमी तो बहुत अच्छे हैं, सज्जन आदमी है, विशेष गुण है। आप भी अपने को वैसे बना सकते हैं। बाहर के लोग पसंद करे या ना करे, कम से कम आपके परिवार के लोग तो पसंद करेंगे। जो बीता समय को आज भी अवसर मिला है, आज भी आप संवार सकते हैं। आप जितना अच्छा होते हैं उतना ही औरों को अच्छा लगते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपको होए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। एक वाणी का उदाहरण देते हैं। मैं एक खास चीज में एक पंक्ति को ये चीज कहना चाह रहा हूं, ऐसी वाणी बोलिए, इस वाणी के लिए कोई भी कर्म के लिए हो सकता है, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। इस चीज को मैं कहना चाह रहा हूं, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। आपका कर्म ऐसा हो, आपका व्यवहार ऐसा हो, आपका आचरण ऐसा हो, आपकी बोली वाणी ऐसा हो कि औरों को भी शीतलता प्रदान करे और आप भी खुद शीतल हो। कैसे होता है, इसका कैलकुलेशन क्या है, इसका गणित क्या है? जब आप अच्छे होते हैं तब दूसरों को भी वही अच्छाई प्रकाश मिलता। कैसे? जैसे आपने किया क्या, एक फ्रिज है आपके घर में और आप फ्रिज में से बर्फ निकालते हैं और बर्फ निकाल करके एक पात्र में रखते हैं, तो पात्र में रखते हैं तो क्या होता है, पहले वो बर्फ पात्र को ठंडा करता है, उसके बाद में आभा मंडल को ठंडा करता है। पहले किसको किया ठंडा? पहले पात्र को ठंडा किया, उसके बाद आभा मंडल को ठंडा किया। उसके साथ तो आग का अंगारा डालते हैं तो पहले वो पात्र गर्म होता है, तब आभा मंडल को गर्म करता है। इसका मतलब क्या है? यदि आपके अंदर शीतलता है तो आपको पहले शीतलता महसूस होगा। सबसे प्रथम फायदा आपको है, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं खास बात ये कहना चाह रहा हूं, यदि आप शीतलता आपके अंदर है, आप रिलैक्स महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, प्रसन्नता महसूस करते हैं, जीवन में गदगद होकर के जीना चाहते हैं, तो प्रथम फायदा आपको होगा, दूसरों को हो या ना हो, पहली फायदा आपको है। तब करना क्या है आपको? पहले आप खुद आनंद ले। कुछ भी करते हैं आप, कुछ भी करते हैं तो पहले आपको प्रॉफिट होता है, तब दूसरों को मिलता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दूसरे को मिले, आपको पहले प्रॉफिट होता है। जैसे माचिस की तिल्ली जलाते हैं आप, तो माचिस की काड़ी जलाते हैं तो पहले माचिस की तिल्ली खुद जलती है, तब दूसरों को जलाती है।
यदि आप भी दूसरों को हानि पहुंचाना चाहेंगे किसी भी प्रकार से, तन से, मन से, वचन से, किसी भी प्रकार से यदि किसी को हानि पहुंचाते हैं तो निश्चित जानिए कि पहले आपको हानि होगा, तब दूसरों को हानि होगा। इसलिए अभी जो समय मिला है, अभी समय को सही दिशा पर ले जाइए। जैसे जैसे हम जीवन का निर्माण करते हैं वैसे वैसे उसका ढांचा बदलता है, और ढांचा बदलने के अनुसार से जीवन का तब्दील होता चला जाता है हमारे जीने के ढंग से, हम जो करते हैं। एक कुम्हार मिट्टी से क्या बनाता था? चिलम बनाता था। रोज चिलम बनाता था, और वह चिलम बनाता। एक दिन हुआ क्या, और चिलम बना करके बेचता था। एक दिन वो करता क्या है, वो चिलम बनाने छोड़ करके उसी मिट्टी को घड़ा बनाया और घड़ा बना करके बेचना शुरू कर दिया। मिट्टी कहता है, मिट्टी कहती है, हे कुम्हार, तूने तो मेरे जीवन का नक्शा ही बदल दिया, मेरे जीवन को तब्दील कर दिया। पहले मुझे चिलम बनाते थे, और चिलम बनाते थे मेरे मुंह में भी आग ठूसा जाता था, मैं खुद जलती थी, औरों को जलाया करती थी, लेकिन तुमने आज मुझे घड़ा बनाया। अब मैं दूसरों को न जलाऊंगी न खुद जलूंगी, तुमने घड़ा बना करके मैं खुद शीतल रहूंगी, औरों को शीतल प्रदान करूंगी। कहने का मतलब क्या है, जो खुद होगा वही दूसरों को संचालित करेगा। यदि आपके अंदर जलन है, आपके अंदर तपन है, आपके अंदर द्वेष है, आपके अंदर पीड़ा है, आपके अंदर राग है, तो वही दूसरों को संचालित करेंगे। आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर सम्मान का भाव है, आपके मन में प्रसन्नता है, वही चीज दूसरों को संचारित करेंगे। ये धन ऐसा है, इसको जितना बांटो बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। गणित के कैलकुलेशन के हिसाब से यदि आपके पास में 1,000 रुपये है, 500 रुपये किसी को देते हैं, तो आपके पास शेष कितना बचता है? आपके पास शेष मात्र 500 रुपये बचता है, 500 रुपये ही बचता है। लेकिन अध्यात्म के कैलकुलेशन के हिसाब से आपके पास प्रेम है, और उस प्रेम को बांटते जाए तो आपका प्रेम बढ़ता चला जाता है। और अध्यात्म की ही परिभाषा में आपके पास क्रोध है, और कहीं क्रोध को बांटते चले तो क्रोध बढ़ता चला जाएगा, और अंतिम में हमारे लिए जाल बुनता चला जाएगा, हम चैन और आनंद की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो करना क्या है आपको, वो अच्छे सद्गुणों को अपने अंदर इंक्लूड करना है, अपने अंदर ऑब्जर्व करते जाना है, और ऐसे संस्कारों को आप इकट्ठा करते चले जाइए, अच्छे विचारों को इकट्ठा करते चले जाइए, आपके जीवन में तब्दील हो जाएगा। कुछ मिनट बताऊं जीवन क्या है, जीवन कैसे बदलता है। जीवन लोग कहते हैं मुझे अपने जीवन को बदलना है, तो लोग जीवन को बदलने के लिए क्या करते हैं, उसका उत्तर सही नहीं दे पाते हैं। कोई गाड़ी बदलता है, कोई कपड़ा बदलता है, कोई मकान बदलता है, कोई मोबाइल बदलता है, कोई और कुछ बदलता है, कोई ऑफिस बदल देता है, तो कोई घर बदल देता है, क्या इससे जीवन बदल जाएगा? आपके फटे पुराने कपड़े हैं, उस कपड़े को बदल करके आप नए कपड़े पहन लिए, क्या जीवन बदल जाएगा? गाड़ी बदल दिए जीवन बदल जाएगा, मकान बदल दिए जीवन बदल जाएगा, मोबाइल बदल दिए जीवन बदल जाएगा, इससे जीवन बदलता है? जीवन इससे नहीं बदलता है, ये जीवन नहीं है, ये तो मटेरियल है, ये पदार्थ है। और हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, जीवन भौतिक पदार्थों का बंडल नहीं है, जीवन भौतिक पदार्थों का बंडल नहीं है, बल्कि इससे हट करके जीवन में एक अध्यात्म रस है। जीवन है, हम जो जीवन में जीते हैं वो हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन है। जीवन तब बदलता कैसे है, सहज और सरलता में कहा जाए तो जीवन बदलता है अंतःकरण के पवित्रता से। अंतःकरण, अंतः को बदलना पड़ता है। क्या अंदर को बदले हैं हम, क्या अंदर के लिए समय दिए हैं, अपने विचारों को बदलने के लिए, अपने मन को सही संचालित करने के लिए समय दिए हैं?
कभी अकेले में 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बैठे हैं और मन को सही दिशा की ओर ले गए हैं, हमने तो समय ही नहीं दिया, हमने तो समय ही नहीं दिया, क्या किया हमने, ऐसे ही जीवन को बता दिया, ऐसे ही जीवन को बिता दिया, कभू न भयु संग और साथा, ऐसे ही जन्म गंवाए हूँ, अच्छा ऐसे ही जन्म को गंवा दिए साहेब अभी कह रहे थे, ऐसे ही हमने अपने जीवन को गंवा दिया। अपने को समय देना चाहिए। आपका जीवन गाड़ी नहीं है, आपका जीवन मकान नहीं है, आपका जीवन धन दौलत नहीं है, ये तो है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जीवन, आपका स्वयं का विचार है, आपका अपना आत्म चिंतन है, ये आपका जीवन है। क्या उसके लिए आपने टाइम दिया है? अपने अपने आप से पूछेंगे तो लगता है मैंने जीवन के जो बेस कीमती समय है, जो मुक्ति की सीढ़ी है, उसमें तो मैंने टिकट ही नहीं कटाया है, जो मोक्ष के रास्ता है उसमें मैंने टिकट ही नहीं लिया। लोग कहते हैं मुझे मोक्ष चाहिए, आत्मा शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, क्या उसके लिए हमने टिकट खरीदा है? कभी टिकट ही नहीं खरीदा, ऐसे में संभव नहीं है। समय मिला है, आज भी समय मिला है, इतना सुंदर अवसर को गंवाइए मत। जैसे जैसे बुढ़ापा की स्थिति आती जाती है, वैसे वैसे पकते जाना चाहिए, वैसे वैसे आपके बोलनी आपका बोल मीठा होते जाना चाहिए, आपका आचरण पवित्र होते जाना चाहिए। जितना ही फल पके होते हैं उतना ही फल मीठा होता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन व्यक्ति का नियम क्या हो गया है? जितना व्यक्ति पकते जाते हैं उतना व्यक्ति कड़वे होते चले जा रहे हैं, कड़वे होते चले जा रहे हैं, उससे झुंझला जाएंगे, उससे झुंझला जाएंगे, कड़वे होते चले जा रहे हैं। अब जब आप कड़वे हो जाएंगे तो कड़वे अंदर है तो बाहर भी कड़वा आएगा, और बाहर भी कड़वा आएगा तो आपको ना नाती पसंद करेंगे, ना पोते पसंद करेंगे, ना बहू पसंद करेंगे, ना बेटे पसंद करेंगे, जीवन तो नरक बन गया। फिर बुढ़ापा में ये चीज मत करिएगा, और बुढ़ापा में नहीं, जवानी में ही आज ये अवसर मिला है, आज से संवर जाइए। पके पके फल मीठे होते हैं, वैसे मुझे भी अब पकते चला जा रहा हूँ। सिग्नल पर सिग्नल आ रहा है, बाल पक गए हैं, आंखें में चश्मा लग गया है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, शरीर में चिकन आ गया है, शरीर स्थूल स्थूल होता चला जा रहा है, अब जवानी नहीं रह गई, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकते हैं? बात बताऊं, आप साधना कर सकते हैं। आप नहीं चल सकते तब भी साधना कर सकते हैं, नहीं बोल सकते तब भी साधना कर सकते हैं, नहीं देख सकते तब भी साधना कर सकते हैं, साधना का क्रम ये है। लेकिन साधना कैसे होगी? जीवन भर तो खुरापात की, जीवन भर तो लड़ाई झगड़ा किए, जीवन भर तो खुरापात किए, तो साधना नहीं होगी। इसलिए आपको जीवन में जो आप इंक्लूड किए रहते हैं अपने शरीर, अपने विचारों में जो भरे रहते हैं, वही तो बुढ़ापा में आप काम आता है। आप कहीं चलते हैं तो यात्रा में, यात्रा के लिए चलते हैं तो कुछ संबल लेकर के चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? यहाँ ई संबल कर ले आगे विषयी बाट। ए लोगों, आज हो जाओ सावधान, यही यहाँ ई संबल कर ले, इस लोक में आज संबल कर लो, ज्ञान का संबल कर लो, आचरण का पवित्र बना लो। जब आदमी रास्ते चलते हैं तो क्या करते हैं? रास्ता चलते हैं, लंबी यात्रा है तो कुछ द्रव्य लेकर के चलते हैं। कहीं रास्ता में लंबी यात्रा हो, भोजन ना मिले तो उसको करेंगे। आपने जीवन के लिए कौन सा द्रव्य इकट्ठा किया है? शरीर के लिए तो किए हैं, जरूर किए हैं। जितने लोग पैदा होते हैं बिना कहे शरीर के लिए द्रव्य इकट्ठा करते हैं, लेकिन जीवन के लिए ऐसा कौन सा तत्व इकट्ठा किए हैं जो आपके बुढ़ापे में काम आएगा? अपने आप से पूछिएगा आप लोग, कौन सा ऐसा धन इकट्ठा किया जो बुढ़ापे में मेरा काम आए? तो आपको लगेगा मैंने जो धन इकट्ठा करना चाहिए था शायद नहीं किया। आज भी अवसर है, बदल दीजिए। कल मैंने कहा था एक मिनट में आप जिंदगी बदल सकते हैं, एक मिनट में यू टर्न ला सकते हैं। और समझता हूँ जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं उतने लोग तो गाली गलौज नहीं देंगे, अब गुटखा नहीं खाएंगे, और आप जानबूझकर भी वो करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तेही संबंध न कोई, जानबूझकर जो कपट करुत है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, भाई गाली दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जानबूझकर तू कपट करता है, तेही संबंध न कोई, तेरे जैसे मंद बुद्धि इस दुनिया में कोई नहीं होगा। किसके साथ कपट करते हैं हम? अपने साथ, दूसरे के साथ नहीं।
जब हम अपने साथ करते हैं तब दूसरों के साथ करते हैं। मैंने पहले ही बताया नियम क्या है, प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम एकदम नजदीक से चलता है, आदमी का मन दूसरे तरफ से चलता है। जब आप देखेंगे समुद्र में लहरें आती है, ज्वार भाटा लहरें, तो पहले नजदीक के गड्ढों को लबालब करते हुए आगे बढ़ती है। आप देखे होंगे लहरों में, लहरें जब आती है तो नजदीक गड्ढों को पहले भरती है तब आगे बढ़ती है। आदमी का मन कैसा है, दूर दूर का ढाल सो हवन, नजदीक के लोगों से प्रेम नहीं, अपना भाई अपना पुत्र पसंद नहीं है, अपने मित्र का पुत्र पसंद है, अपना पड़ोसी पसंद है, अपना भाई पसंद नहीं है, दूर वाले रिश्ते पसंद है, उस माँ पसंद है जिसको छोड़ आए हैं, घर में बैठे सासू माँ पसंद नहीं है, घर में बैठे भाई पसंद नहीं है, मित्र पसंद है, घर में बैठे माता पिता पसंद नहीं है, मंदिर में बैठे भगवान पसंद है, क्या जीवन बदल जाएगा? आपके हाथों में, आपके हाथों में है। और मैं समझता हूं जो सद्गुरु अभिलाष साहेब जी से, सद्गुरु श्री धर्म स्वरूप साहेब जी से, ऐसे महान पुरुषों से मिले हुए कोई संतों के आप विचार सुनेंगे उसमें कर्म कांड नहीं मिलेगा। कर्म कांड की बात नहीं बताते। मैंने कहा कर्म कांड, कल उदाहरण दिया था मैं, कर्म कांड से जीवन नहीं बदलता है। मैं स्पष्ट उदाहरण दिया था, यदि कर्म कांड से जीवन बदलता तो सत्य कहीं आपसे अलग नहीं है, परमात्मा कहीं आपसे अलग नहीं है, प्रेम कहीं आपसे अलग नहीं है। कर्म कांड होता तो भगवान की पूजा करने से ला करके आपके अंदर फिट कर दिया जाता। आप यहाँ हो और सत्य कहीं अलग हो, आप यहाँ हो और शांति कहीं अलग हो, कोई जगह रखा है डिब्बा में क्या कि आपके अंदर ला करके फिट कर दे, भगवान को प्रार्थना करे भगवान मुझे शांति दे दो, शांति दे दो, तो भगवान आपके अंदर ला करके फिट कर देंगे। संत भी शांति नहीं देते हैं, संत रास्ता बताते हैं, रास्ता बताते हैं, माता पिता रास्ता बताते हैं, संत गुरुजन रास्ता बताते हैं। आपको संवारना है आपके जीवन को, अवसर मिला है, इसलिए ऐसे विचारों को सुनिए और ऐसे विचार जहां होते हैं वहां जाइए। और आप जब तक आप अपने अंदर से जिज्ञासा नहीं होगी कि मैं जीवन को बदलूंगा, जब तक आपके अंदर ललक पैदा नहीं होगा तब तक आप जीवन को नहीं बदल सकते। इसलिए सबसे पहले आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, शुरुआत करना है वाणी से, शुरुआत करना है खाने पीने से, तब जीवन बदलता है, तब जीवन में तरंगाई हो उड़ते हैं और आप बदलते हैं, आपका परिवार बदलता है, आपका माहौल बदलता है और जीवन आनंदमय हो जाता है। बस इतना ही कह करके अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।